हेलो, वेलकम बैक ऑल योर स्टूडेंट्स. वेलकम अगेन इन दिस यूजफुल क्लास. सो आज हम आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम प्लस टू केमिस्ट्री, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाएंगे. तो मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, इसमें कुछ एमसीक्यूज हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं, तो जो कम्पिटिटिव में आ चुके हैं और उनके आने के ज़्यादा चांसेज हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिले. चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन करिए. मेंबर्स जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनका थैंक्स. और उनको हम आने वाले टाइम में बेटर से बेटर मटेरियल एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट देखिए, ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कैटायन सी एनायन ए. तो वो उसमें हेक्सागनल पैकिंग है, HCF लैटिस है एंड कैटायन ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो इसका सही आंसर है C3A4. तो कैसे आता है, अभी आपको ये समझाते हैं. सो इसमें एक्सप्लेनेशन जहाँ से ही देख लीजिए आपको बेटर रहेगा. यहाँ क्या दिया हुआ है, HCP में आपको पता है पर यूनिट सेल एटम होते हैं 6, ऑक्टाहेड्रल वॉइड HCP में होते हैं 6, एनायन कितने होंगे 6, जितने एटम्स वगैरह कैटायन जो भी एंटिटीज हैं वो 6 ही होंगे. सो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय कैटायन 75% है, ठीक है ना, 6 होता है, 100 से डिवाइड करेंगे डेट विल बी 9/2. तो इसलिए इसका जो फार्मूला है डेट विल बी द C3A4, ठीक है जी. इसको अगर डिवाइड करेंगे 4 point something आएगा, तो इसमें एक फैक्टर का आएगा 4 के अप्रॉक्सीमेट, तो दूसरा 3 आएगा. तो ये इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है जी. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें फार्मूला ऑफ निकल ऑक्साइड विद मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इन इन क्रिस्टल. तो वो बनता है 0.98 ऑक्सीजन, क्रिस्टल में N2 पॉजिटिव है एंड N3 पॉजिटिव है. फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्टिंग एज N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव कितना परसेंट इस क्रिस्टल में है? इसमें N3 भी है, N2 भी है और ऑक्सीजन भी है. आपने N2 प्लस पॉजिटिव 2 का फ्रैक्शन बताना है इसमें. तो ये आ रहा है 0.96. कैसे आएगा अभी आपको दिखाते हैं. इसमें आपने अजम्पशन लेके चलना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रैक्शन ऑफ मेटल जो है विच एग्जिस्ट एट N2, उसको x मान लीजिए. तो फ्रैक्शन ऑफ मेटल जो N3 पॉजिटिव आएगा, आपको पता है 0.89 आ रहा है, आपको पता है, तो उससे माइनस x आ जाएगा टोटल से, तो N3 आ जाएगा. आपको पता है N2 है तो यहाँ 2x आ जाएगा, N3 में यहाँ 3x आएगा, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास एंटिटीज़ क्या हैं, 2, एक निकल है एक ऑक्सीजन है, 2 है, इसलिए इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है जी. ये ध्यान से समझ लेना आपने, बार बार आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी. तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.94. इस वजह से आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. आई होप क्वेश्चन नंबर 2 इज़ क्लियर टू यू. ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आयरन है वो BCC बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल पैकिंग है रूम टेम्परेचर पे, 1900 से अबव ये FCC में कन्वर्ट हो जाता है. रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर 2900 सेंटीग्रेड. तो इसमें मोलर अज्यूमिंग मास एंड रेडियस रिमेन कॉन्स्टेंट. तो आपने इसकी रेशो निकालनी है कितनी आएगी डेंसिटी की, तो ये आएगी 3√3/4√2. कैसे आएगी अभी दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिस्टल जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर कन्फर्मेशन उनकी चेंज भी हो जाती है. BCC लेटेस्ट है, Z इसका जो है एज लेंथ के हिसाब से 2 है, A फार्मूला इसका 4R/√3 आता है, FCC में Z 4 है, A का ये होता है. तो इसमें जो डेंसिटी है रूम टेम्परेचर के ऊपर ये है और 90 डिग्री के ऊपर ये है. रूम टेम्परेचर के ऊपर BCC है, इसके ऊपर ये FCC है. तो यहाँ BCC का फार्मूला आएगा, जहाँ FCC का, ठीक है जी. ओके, क्लियर हो गया. तो यहाँ आपने इसका निकाल के देना है. सो यहाँ आपको मोलर मास इनका कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा. तो इस तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं, रेडियस का फ्रैक्शन. आ गया ये क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फ्रैंकल डिफेक्ट इज़ फेवर्ड इन दोज आयन
कंपाउंड इन विच द साइज ऑफ केटाइन एंड अनाइन आर इक्वल, फ्रेंकल इफेक्ट। यह गलत स्टेटमेंट है क्योंकि फ्रेंकल इफेक्ट जो है ये उसके लिए होता है जिसमें लार्ज डिफरेंस इन साइज, एक साइज केटाइन अनाइन में डिफरेंस आए तो वही फ्रेंकल इफेक्ट शो करते हैं। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट ड्यू टू द मेटल डेफिशेंसी जो है ये शो होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें एफ ई एक्स ओ बेयर एक्स इज 0.93, ये स्टेटमेंट सही है बट ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो फ्रेंकल इफेक्ट के लिए केटाइन एंड अनाइन का साइज डिफरेंट होना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफेक्ट इन क्रिस्टल। फ्रेंकल डिफेक्ट इज़ ए डिसलोकेशन डिफेक्ट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे फ्रेंकल डिफेक्ट जो है डिसलोकेशन डिफेक्ट है। एज स्मॉलर आइन जैसे कटाइन है डिसलोकेट हो जाते हैं नॉर्मल साइड से और इंटरस्टिशियल में चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उन कंपाउंड में होता है जिसमें साइज ऑफ कटाइन एंड अनाइन का डिफरेंस काफ़ी होता है। जैसे अल्काइल मेटल हैलाइड हैं वो क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट शो नहीं करते, और शॉटकी डिफेक्ट जो है डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। फ्रेंकल डिफेक्ट में कोई डेंसिटी का इफेक्ट नहीं होता। तो सारे यहाँ जो है देख सकते हैं, जो गलत स्टेटमेंट वो भी समझा दी, सही स्टेटमेंट आपकी ये है। ओके आगे आ जाइए, 12 नंबर ऑफ द कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ द डायमंड, यहाँ आ रहे हैं 8। कैसे 8 आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायमंड है वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है, जिंक सल्फाइड की तरह, ठीक है जी। और आपको पता है इसमें कार्बन CCP FCC है और वो टेट्रा हाफ टेट्रा हिडल है, तो पहले कॉर्नर के ऊपर आएगा वो 8 × 1/8, फिर है फेस सेंटर 6 × 1/2, फिर टेट्रा हिडल है ये आएगा 4, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 1, 4 + 4 = 8, ऐसे आप निकालोगे। यानी इसमें दो तरह की अरेंजमेंट है, FCC भी है और कॉर्नर के ऊपर है CC क्यूबिक पैकिंग भी है, और टेट्रा हिडल में आप 4 लेके चलते हो। 13 ए मेटल देखिए, क्रिस्टल है विच फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटर्स, एज ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ दी है 4.408 पिकोमीटर, डायामीटर बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप FCC के लिए रेडियस निकालोगे। रेडियस का फार्मूला होता है ए एज लेंथ 2√2, इसमें पुट कर देना आपने, 408 को डिवाइड कर देना है 2√2 से, आर आ जाएगा, आर का डबल आ जाएगा डायामीटर। इसको सॉल्व करोगे जब आपका आंसर आएगा आर डैट विल बी द 144 पिकोमीटर, डायामीटर आ जाएगा 2 × 144, तो 288 आंसर आएगा इसका। तो आपने ये जो फार्मूलाज हैं एज लेंथ के, आयनिक रेडियस के, पैकिंग एफिशिएंसी के, FCC BCC और क्या बचा आपका CCP, ये सारे आपने नोट कर लेने हैं। 14 में नंबर ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर यूनिट एटम इन द CCP कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो सेम होते हैं एज नंबर ऑफ एटम, क्योंकि इसमें 1/8 होता है CCP में एक एटम की कंट्रीब्यूशन, इसलिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इसमें आएगा। 15 स्ट्रक्चर जो है ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज क्यूबिक, एक मिक्स ऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर है CCP, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल मिक्स किए गए हैं, इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, 1/4 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट मेटल ए एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय मोनोवेलेंट मेटल बी। तो फार्मूला ऑक्साइड का यहाँ क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन के ऊपर ले चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ एटम CCP में आपके 4 आएंगे, डेट इज ओ नेगेटिव 2, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड 2 × n होता ही आएगा 8, नंबर ऑफ ए पॉजिटिव 1/4 के हिसाब से 2, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एन बी के लिए है 4, यानी उसमें ऑक्टाहेड्रल भी है टेट्राहेड्रल भी है, तो इसमें रेशियो क्या आएगी, आपने पहले निकाला
O2 नेगेटिव, फिर A2 पॉजिटिव, B पॉजिटिव, यह आएगी 4:2:4, यह आएगी 2:1:2। इसलिए इसका फार्मूला बनता है Ab2O2। इस तरीके से फार्मूला आप इसका डिज़ाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बिचो फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इन प्रिमिटिव सेल इज 0.48 20 में। तो इसमें जो प्रिमिटिव पैकिंग होती है, इसमें जिसको क्यूबिक पैकिंग कहते हैं, तो इसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो है 52% आती है। 4.8 नहीं आती, 52 आएगा, 0.52, 4.2 जो वेकेंट रह जाता है, इसलिए यह गलत है। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जो सिलिकॉन शुड बी डॉप्ड एज टू गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर। किसकी डॉपिंग होनी चाहिए? डेट विज द बोरोन। 21 का बी, क्योंकि सिलिकॉन जो है डॉप्ड विद एनी ऑफ एलिमेंट ग्रुप 3 में कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ट्रिलियम पीरियोडिक टेबल में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर आ सकता है, ग्रुप 3 में कर सकते हैं। ग्रुप 3 में आपके बोरोन आता है, यह आपने याद रखना है शॉर्टकट। पी टाइप के लिए ग्रुप 3 में डॉपिंग करोगे। 22 में देखिए, ए जो है जो एज लेंथ है क्यूबिक सिस्टम में, सिंपल बॉडी फेस एंड एफसीसी, देन रेशियो ऑफ रेडियस इनका क्या होना चाहिए? तो इसका आएगा सी ऑप्शन, 1/2a 3/4a 1/2 under 2a। सो इसका कैसे आएगा ये आपको अभी दिखा देते हैं। सो 22 देखिए, यहाँ पे यहाँ दिया है फॉर सिंपल क्यूबिक आर आपका a/2 है, बॉडी के लिए ये है, एफसीसी के लिए ये है, ए एज लेंथ आर रेडियस है, तो रेशियो ऑफ रेडियस यहाँ इसकी क्या बन जाएगी? इस तरीके से, ठीक है जी। ये आपके नॉन वैल्यूज़ हैं, ये आपको बुक में मिल जाएंगी। सो ये वैल्यू ड्राइव कैसे होती है, ये बुक में सारा दिया, आप देख सकते हो। 25 अपीयरेंस ऑफ कलर इन द अल्कली मेटल हैलाइड, क्यों? क्योंकि इसमें एफ सेंटर होते हैं, बी 25 का, क्योंकि एफ सेंटर जो है साइट्स होती हैं क्रिस्टल में जहाँ पे अनाइन मिस होते हैं इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। सो इलेक्ट्रॉन जो है कलर देते हैं, आपको पता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है, इसलिए एफ सेंटर में कटाइन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं। 31 कैटाइन एंड अनाइन कंबाइन टू क्रिस्टल फॉर्मिंग कंपाउंड डेट विल बी द अनाइनिक, ठीक है जी, आइनिक होता है जैसे NaCl, कैटाइन अनाइन। 32 क्यूब ऑफ एनी क्रिस्टल ए प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर एंड बी प्लेस्ड एट एवरी सेंटर ऑफ फेस, फार्मूला क्या आएगा 32 का? 32 में आपने यहाँ क्या करना है, आपको पता है एटम एट कॉर्नर 8 होते हैं क्यूबिक में, तो नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन ए की कितनी आ जाएगी? 8 1/8 डेट विल बी 1। और बी एटम जो फेस में है 6 फेस होते हैं, बी के लिए आएगा 6 × 1/2 हाफ होती है फेस की, ये 3 आ जाएगा, तो इसलिए फार्मूला बनता है Ab3। आई होप आपको समझ आ गया। कॉर्नर के ऊपर 1 आएगा और आपका फेस के ऊपर 3 बन जाएगा। 36 में देखिए, शॉर्ट की डिफेक्ट इन क्रिस्टल ऑब्जर्व्ड कब आता है? जब इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड अनाइन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस, जब मिस हो जाते हैं 36 में, ये यहाँ पे देखा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में इक्वल नंबर कैटाइन एंड अनाइन मिस होते हैं, सो क्रिस्टल जो है इसमें न्यूट्रल रहता है। सच डिफेक्ट जो है मोर कॉमन इन आइनिक सॉलिड, ठीक है, NaCl वगैरह में ये देखा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। 38 द टू आइनिक सॉलिड CaO पोटाशियम आयोडाइड, इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? पोटाशियम आयोडाइड इज सॉल्वल इन बेंजीन। 38 पोटाशियम आयोडाइड एक आइनिक है, बेंजीन जो है कोवलेंट है, ठीक है जी। तो आपको पता है पोलर में आएगा, आइनिक आइनिक में डिसॉल्व होएगा, बेंजीन आइनिक नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। 39 इंटरमेटैलिक कंपाउंड लिथियम सिल्वर क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक लेटर्स इन विच बोथ लिथियम एंड सिल्वर हैव कोऑर्डिनेशन नंबर 8।
तो क्रिस्टल कौन सी क्लास का है? डेट विल बी द बॉडी सेंटर 39, क्योंकि बॉडी सेंटर क्यूबिक जो सेल है इसमें 8 एटम होते हैं, कॉर्नर पे 1 होता है सेंटर में, ठीक है जी। आगे आ जाइए FCC 40 नंबर, इसमें है हो मैनी एटम यूनिट सेल में होंगे FCC में। FCC में यहाँ 4 आ रहे हैं, कॉर्नर के ऊपर आपके होता ही है 1 आता है, तो फेस जो है उसका 6 फेस होते हैं, फेस के लिए 1/2 होता है 3, तो 3 4 सिंपल चीज़ है, ये सिंपल क्वेश्चन है। बस आपने जो स्टेट्समेंट्स आपको बुक में दिए हैं वो सारी आपने याद कर लेगी। 41, इफ़ यू मिक्स ए पेंटागोनल इंप्योरिटी इन क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी? डैट विल बी द एन टाइप, ठीक है जी, ऑप्शन ए। क्योंकि इम्प्योरिटी ऑफ 5 वेलेंट जैसे आर्सेनिक है जर्मेनियम ऐड करोगे तो ये एक जर्मेनियम एटम रिप्लेस कर देगा। 4 ऑफ द 5 वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी फॉर्म ए कोवलेंट बॉन्ड भी विद ईच वेलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ 4 जर्मेनियम एंड 5th जो है फ्री हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है इसलिए वो मूव कर सकता है, एन टाइप बन जाता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप होता है, जिसमें नहीं होते वो पी टाइप होता है। 45, प्योर क्रिस्टल सब्सटेंस इज बीइंग हीटेड ग्रेजुअली, फर्स्ट वो टर्बिड लिक्विड देता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिर उसको गर्म करें तो वो डिसअपियर हो जाता है, तो बिहेवियर किसका है? ये लिक्विड क्रिस्टल का, ऑप्शन बी लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस, ये भी आपको कराएंगे। 46, ऑन डॉपिंग जर्मेनियम विद इंडियम और गैलियम भी कह देते हैं, डेट इज़ अ पी टाइप सेमी कंडक्टर, ऑप्शन ए। 47, देखिए इन द फ्लोराइड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl+2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या है? डेट विल बी द 8। 47 का आएगा सी, क्योंकि यहाँ पे CaF2 है, 47 की एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम का जो है 8 है, तो F जो है इसका 4 है। 848, नंबर ऑफ द एटम ऑब्टेन बाय FCC इन यूनिट सेल मोनोटोमी के लिए, FCC में कितने आएंगे? 1/8 into, ये पहले भी आ चुका है, रिपीट है 4। 49, ऑर्थोरोमिक सिस्टम है, एक्सियल रेशियो इसकी क्या आएगी? ये आएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बेवराय लेटेस्ट जो बनते हैं आपके उसको आपने याद कर लेना है, मैंने बुक में आपको दिखा दिए थे, इससे भी क्वेश्चन है ये राइज हुआ है। मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल शो द गुड क्लीवेज बिकॉज ऑफ देयर एटम और आयन मॉलिक्यूल क्या है? अरेंज इन प्लेन, इस वजह से उसकी क्लीवेज आती है। सो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट कर सकते हो। इसके साथ हमारा सॉलिड स्टेट वाला जो टॉपिक है ख़त्म होता है। पहले भी आपको इसके इन्वेरिकल्स मैंने दे दिए हैं, वीडियो आपने देख लिया होगा, चैप्टर भी रिपीट कर लिया। आई होप आप यू कैन अटेम्प्ट वेल फ्रॉम दिस चैप्टर। सो कैसा वीडियो लगा कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। मिलेंगे जल्दी ही किसी और टॉपिक में, तब के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Thank you.